इसराइल हमास युद्ध में हिजबुल्ला भी अहम रोल अदा कर रहा है। हिजबुल्ला ने ईरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजरायली सेना के यूएवी पर हमला कर दिया। बता दें कि ये वही ईरानी मिसाइल है जिसने यमन में अमेरिकी यूएवी को मार गिराया था। 358 के नाम से जाने जाने वाली मिसाइल एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो कैमिकेज ड्रोन और सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल के बराबर है। 358 जिसे यमन में हॉक के नाम से जाना जाता है पहली बार 2019 में सामने आया था जब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी हथियारों की खेप को जब्त कर लिया था। इसके बाद साल 2020 और 2021 में भी इसे पकड़ा गया था। 2021 में इराक में एक अमेरिकी बेस के पास एक 358 मिसाइल पाई गई थी। जून 2021 में 358 ने कथित तौर पर यमन के ऊपर एक अमेरिकी स्कैन ईगल यूएई को मार गिराया था। सॉकर 358 एक ईरान द्वारा बनाई गई विमान भेदी मिसाइल है जिसे हवाई हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि टैंकों या जमीनी हथियारों पर। यह 10 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर चल सकता है और इसकी अधिकतम सीमा 100 किलोमीटर है। इसे जमीन से या ट्रक पर एक साधारण रेल माउंट से दागा जा सकता है। करीब एक महीने पहले हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने एक इजरायली यूएई को मार गिराया है। हालांकि आईडीएफ ने कहा कि उसने मिसाइल को रोक लिया था। यूएवी और मिसाइल के विशेषज्ञ मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस के साथ ताल इनबार ने लेबनान में बरामद मिसाइल अवशेषों की तस्वीर की जांच की। उन्होंने पुष्टि की कि इन तस्वीरों में 358 के अवशेष वास्तव में थे। 18 नवंबर को हिजबुल्ला ने फिर से कहा कि वह एक इजरायली यूएवी को हिट करने में कामयाब रहा और घटना का एक वीडियो साझा किया। वीडियो में एक इजरायली हरमीज 450 यूएवी को एक मिसाइल से टकराते हुए दिखाया गया, लेकिन कोई विस्फोट नहीं दिखाया गया। आईडीएफ ने उसी दिन कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने एक इजरायली यूएवी पर दागी गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को रोक दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएवी को आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दो दिन बाद दक्षिणी लेबनान के एक व्यक्ति ने 358 मिसाइल के अवशेषों की तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा यह उनके घर के पास पाया गया था। हाल ही में 358 मिसाइल से अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया था। हुतियों ने इसका वीडियो भी साझा किया था। साथ ही अमेरिका ने पुष्टि की कि यमन के तट पर अमेरिकी यूएवी को मार गिराया गया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि मिसाइल यूएवी और हेलीकॉप्टरों के लिए एक विशेष खतरा है।